बहू, ये खाना तुमने बनाया है? जी माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इस खाने में नमक ही नमक भरा पड़ा है, जहर बन गया ये खाना। तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है खाने में कितना नमक डलता है। पर माँ जी, मैंने तो सब कुछ सही से डाला था और खाना बनाने के बाद चेक भी किया था, सब सही था। अच्छा, तो क्या माँ जी झूठ बोल रही हैं? तुम्हें एक महीना नहीं हुआ इस घर में आए और अभी से माँ जी को झूठा बना रही हो। अरे गरीब घर की बेटी है ना, मुझे नहीं लगता इसके घर वालों ने कुछ सिखाया होगा कि अपनों से बड़ों से कैसे बात की जाती है। नहीं माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खाना बनाने के बाद खुद से चेक किया था, टेस्ट एकदम परफेक्ट था, सब सही था, नमक मिर्च सब कुछ। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें ना खाना बनाने का काम सौंप दिया। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखो ना, इससे पहले मैं भी तो खाना बनाती थी, कभी कोई प्रॉब्लम आई? और अगर प्रॉब्लम आई भी तो मैंने अपनी गलती प्यार से एक्सेप्ट कर ली, इसकी तरह नहीं कि जबान लड़ाऊं। माँ जी, मैं तो कहती हूँ ना, खाना बनाने का काम आप हम लोग को दे दो और जो साफ सफाई का काम है ना वो इसको दे दो, वही सही रहेगा इसके लिए। मुझे ना तुम तीनों बहुओं का टेस्ट लेना है। टेस्ट? कैसा टेस्ट माँ जी? तुम तीनों बहुओं को रसमलाई बनानी है और जिसकी रसमलाई सबसे अच्छी होगी उसको मिलेगा खाना बनाने का काम और बाकियों को सफाई का। जी माँ जी। शाम तक का टाइम है तुम लोगों के पास, ठीक है? माँ जी ये लीजिए, पहले ये टेस्ट कीजिए। अच्छी बनाई है तुमने। अब माँ जी मेरा भी टेस्ट करो ना। तुमने भी अच्छी बनाई है। लीजिए माँ जी। अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत अच्छी रसमलाई बनाई है, सबसे अच्छा टेस्ट है इसकी रसमलाई का, एकदम परफेक्ट। क्या माँ जी, एक बार मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ ना। ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी रसमलाई अच्छी कैसे बन सकती है? मैं बताती हूँ कैसे अच्छी बन सकती है। रिये बेटा। हाँ जी माँ जी। तुम रसमलाई बना रही हो ना तो उसमें चीनी मत डालना। पर क्यों माँ जी? जो मैं कह रही हूँ वो तुम करना, ठीक है? ठीक। अब तुम दोनों बताओगी कि तुम लोगों ने क्या किया था या मैं बताऊँ? माँ जी वो हमने रिया के खाने में नमक तेज किया था, क्योंकि माँ जी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब से रिया आई है आपने मेरा काम रिया को दे दिया और मुझे घर की साफ सफाई का। और माँ जी हमने ही रिया की रसमलाई में ज़्यादा मीठा डाला था ताकि इसकी रसमलाई ख़राब हो जाए और आप हमें हमारा काम वापस दे दें। तुम दोनों ने ना ये बहुत गलत किया है, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? अरे वो अभी नई है इस घर में, तुम दोनों से छोटी है, तो तुम्हारी तो जिम्मेदारी बनती थी ना कि उसे इस घर में कोई परेशानी ना हो, ये देखें, उसे कंफर्टेबल फील करवाएं। और तुम लोगों ने क्या किया? अभी वो इस घर के लिए कोरा कागज है और जो तुम उस पर लिखोगे ना वो ही लिखा रह जाएगा। और अगर तुम इसके बारे में ये सोचते हो और इसके साथ ये सब कर रहे हो तो तुम्हारे लिए उसके मन में क्या आएगा, यही सब आएगा ना। तुम तीनों इस घर की बहुएं हो और तुम तीनों का इस घर पर बराबर का हक है। अरे तुम्हें तो बहनों की तरह मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए ना। जी माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। और माँ जी मैं भूल गई थी कि जब पूजा इस घर में पहली बार आई थी तो आपने भी पूजा को रसोई का काम दिया था, खाना बनाने का काम दिया था। और जब मैं इस घर में आई थी तो आपने मेरे साथ भी ऐसा किया था। तो माँ जी कायदे के साथ रिया के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन माँ जी अब से जैसा आप बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन माँ जी
प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हम तीनों अब सब बहनों की तरह मिलकर और प्यार से रहेंगे। दीदी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूँ। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों मिलकर किचन का काम करें, खाना बनाएं, और हम तीनों ही मिलकर घर की साफ सफाई भी करें। हाँ हाँ रिया, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और हम तीनों इस घर में बहनों की तरह रहेंगे।